शहर के कई इलाकों में शहरीकरण होने के बावजूद भीषण जल समस्या प्रतीत हो रही है। उसी बीच नारी कबीर नगर प्रभाग क्रमांक 2 में उचित जल वितरण न होने से सुगत नगर स्थित जलकुंभ के पास नागरिकों द्वारा आंदोलन किया गया। खाली करो, खाली करो, खाली करो। महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महानगर पालिका मुर्दाबाद, OCW मुर्दाबाद, 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 OCW मुर्दाबाद। सरकारचा करांचा काय? खाली करो। खाली करो, खाली करो। पिछले 6 महीनों से कबीर नगर क्षेत्र में भीषण जल समस्या का सामना स्थानीय नागरिकों को करना पड़ रहा है। बार बार निरंतर शिकायत करने के बावजूद OCW के कर्मचारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते नारी कबीर नगर प्रभाग क्रमांक 2 उचित जल वितरण न होने से सुगत नगर स्थित जलकुंभ के पास नागरिकों द्वारा आंदोलन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे, जहां उन्होंने मनपा एवं OCW के खिलाफ नारेबाजी की, जहां उपस्थित पूर्व नगर सेविका नेहा निकोसे ने मनपा एवं OCW को घेरते हुए इस काले कारोबार को विरोध जताया, जहां उन्होंने बताया कि आज जनता को पीने के लिए पानी नहीं और जो इस्तेमाल के लिए पानी आ रहा है वह पूर्ण रूप से दूषित है। कई बार शिकायतें की गई किंतु मनपा एवं OCW कर्मचारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। इस समय मौजूद पीड़ित नागरिकों ने अपनी व्यथा रखी है। आज इथे तुम्ही खूप संख्येने पाहून राहिले, प्रभाग 2 नारी कबीर नगर मध्ये पाण्याची समस्या आहे। आज 6 महिने झाले आहे, 6 महिन्यापासून अधिकाऱ्यांना OCW अधिकाऱ्यांना आम्ही सांगू परेशान झाले। आता फिलहाल स्थिती अशी आहे की ह्या नागपूर शहरात कोणीही महानगरपालिकेचे नगरसेवक राहिलेले नाही आहे, त्यामुळे अधिकारी OCW चे अधिकारी झोपलेले आहे। या लोकांच्या यांच्याकडे समस्याकडे यांचं दुर्लक्ष आहे, झोपलेले आहे। 6 महिने झाले आज या लोकांना पाणी पाण्याचे पाणी पिण्यासाठी काय यूज करण्यासाठी सुद्धा पाणी नाही, अशी स्थिती झाली आज या लोकांची। आम्ही कोणाला सांगू, हे यांना अधिकाऱ्यांना सांगू यांच्या कानात काही उतरवत नाही। आणि आम्हाला या परिस्थितीत या उन्हा तानात उभं राहून लेकरा बारांना घेऊन आंदोलन करावं लागत आहे। किती गंभीर परिस्थिती यांनी आमच्यावर केलेली आहे, या पाण्यासाठी आम्हाला धडधड भटकावं लागत, माझे संचालन धडधड भटकावं लागत आहे। आणि हे आताचीच नाही आहे, जेव्हा नगर सेवक होते 7 वर्षा पहिले कबीर नगरचे 2 लाईनी होते, समर्थ नगरचे 1 लाईन, 7 वर्षापासून या लोकांनी इथे पाणी नाही दिलं। आणि महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगू शकते, इच्छिते इथे जेव्हा मी आली तर महानगरपालिकेचे गडरेची जी गाडी आहे ना, इथून पाणी नेत होते गडरेच्या गाडीसाठी, पण लोकांना पाणी यांनी देऊ नाही शकत टँकरनी। आम्हाला टँकर कबीर नगर मध्ये टँकर पाहिजे ना, नळ आहेत, नळांनी आम्हाला पाणी पाहिजे, हे आमची आमचा मुद्दा आहे ना, ही आमची मांग आहे। प्रभाग क्रमांक 2 में जो कबीर नगर है वहाँ पे 6 महीनों से पानी की समस्या चल रही है। कई बार डेलीगेट को निवेदन देने के बाद कारपोरेशन के हरीश राउत जी को, आयुक्त जो आयुक्त है आशीनगर जोन के, उनको निवेदन देने के बाद बताने के बाद अधिकारियों को बताने के बाद यहाँ पे पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन रखे, आंदोलन के समय ये दिख रहा है कि कारपोरेशन की जो गटर साफ करने वाली गाड़ी होती है उसको पीने का पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको पीने का पानी दिया जा रहा है, लेकिन ये जो आम जनता 6 महीने से पानी के लिए तरस रही है, इनके घर में पीने का पानी नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से OCW की मनमानी चल रही है, अधिकारियों की मनमानी चल रही है। मतलब मन चाह बड़े बड़े लीडर जो बिल्डर है उनको बराबर पानी मिलता है, उनके घरों में बराबर एक एक टैंकर जा रहा है, लेकिन ये जो आम जनता है ना इनको पानी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आम जनता ने आके आज यहाँ पे टैंकर पे मटका फोड़ो आंदोलन किया, टैंकर पे चढ़ गए, गेट बंद कर दिया OCW का, कि ये जो अधिकारी जो कुंभकर्ण की नींद सोए ना इनको ये जगना चाहिए कि आज कितना आम जनता परेशान है। मंत्री अपने घर में AC चालू करके बैठे, उनको पीने के लिए पानी, ये जनता को पीने का पानी जब तक नहीं मिलेगा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। 6 महिन्यापासून पाणी नाही लढाले, टँकर वाले टँकर पाठवतात तर ते पैसे मागतात, नाही तर पाणी नाही देत, आणि म्हणावं की प्याचे पाणी देऊन टाकत तेही नाही देत, मग कसं काय करावं? टँकर वाले पैसे मागते, हा 50 रुपये 100 रुपये 10-20 म्हणणार तर 10-20 चा जमा नाही का असं म्हणतात ते, चाय नाही होती आहे। 10 रुपये में चाय नाही, दिवसापासून परेशान ती जनवरी महिन्यापासून परेशानी आहे, आतापर्यंत झेडून राहिलो, आता हे जास्त झाली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपूर।